की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से तेजी देखने को मिल रही है। दरअसल इन दिनों बाजार में कपास के भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को पार कर गए हैं। अधिकांश मंडियों में कपास के भाव MSP से ऊपर चल रहे हैं। यदि बाजार जानकारों की माने तो कपास की कीमतों में अभी और तेजी आ सकती है। ऐसे में इस बार जिन किसानों ने कपास की खेती की है उनको कपास का बेहतर भाव मिलने की उम्मीद है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले इस बार कपास की खेती में गिरावट आई है। इस बार पहले से कम रकबे में कपास की खेती की गई, जिससे इसका उत्पादन पिछले साल के मुकाबले कम है। वहीं खरगोन की कपास मंडी जिले की ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडियों में से एक है और इसी साथ मध्य प्रदेश में कपास का सर्वाधिक उत्पादन भी खरगोन में ही होता है। यहाँ का कपास देश विदेश तक निर्यात किया जाता है और इसे सफ़ेद सोने के नाम से जाना जाता है। इन दिनों बारिश से नमी के बावजूद मंडी में कपास के अच्छे भाव मिलने से किसान काफ़ी खुश हैं। यही वजह है कि गुरुवार को भी सीजन में सबसे ज़्यादा 13,700 क्विंटल कपास की आवक खरगोन मंडी में देखने को मिली। वहीं कपास की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। थोक मंडियों में कपास के भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक हो गए हैं और इसे देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे कपास की कीमतों में और तेजी आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।